Hello friend. Today we will see numericals on uh, steady flow energy equation. As we have finished all three parts regarding the uh, steady flow energy equation, we have applied uh, steady flow energy equation to various devices like turbine, compressor, pump, nozzle, boiler, condenser, etc. Now uh, we will see we will see numerical part of this. Okay. So uh, this is our uh, first numerical. I read numerical. A steam turbine operates under steady flow conditions receiving steam at the following state pressure 15 bar, internal energy 2700 kilojoule per kg, specific volume 0.17 meter cube per kg, and velocity 100 meter per second. The exhaust, the exhaust of steam from the turbine is at 0.1 bar with internal energy. 2175 kilojoule per kg specific volume 15 meter cube per kg and velocity 300 meter per second the intake is 3 meter above the exhaust the turbine develops 35 kW, and heat loss over the surface of turbine is 20 kilojoule per kg determine steam flow rate through the turbine okay सो so, uh, जब भी हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस uh, करो कि कौन से डिवाइस के बारे में दिया है तो यहाँ पर स्टीम टर्बाइन दिया है ओके okay? हमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टीम टर्बाइन को अप्लाई करना है ओके सो यहाँ पर न्यूमेरिकल में टर्बाइन दिया है और उसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दिए आप देखो पहलेक्ट आपको क्या क्या दिया है वो एक्सप्लेन करता हूँ ये ये रहा हमारा टर्बाइन इसको हमने दो सेक्शन कंसीडर किए सेक्शन वन सेक्शन टू तो सेक्शन वन की सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई है प्रेशर दिया है फिफ्टीन बार अब यूनिट के ऊपर केयरफुली ध्यान दो प्रेशर बार में दिया है हमें बार में नहीं चाहिए वो आपको बाद में बताऊँगा इंटरनल एनर्जी टू सेवन डबल ज़ीरो किलोजूल पर के जी स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़ीरो पॉइंट वन सेवन मीटर क्यूब पर के जी एंड वेलोसिटी हंड्रेड मीटर पर सेकंड अब वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर सी से डिनोट किया है क्योंकि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम और अपने वेलोसिटी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर हमने वेलोसिटी को वी से डिनोट किया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होने के चांस ऐसे इसलिए मैंने वेलोसिटी के नोटेशन यहाँ पर सी रखे ताकि स्पेसिफिक वॉल्यूम के नोटेशन के साथ आप कन्फ्यूज़ ना हो ओके ये हो गया जब इनलेट के ऊपर के प्रॉपर्टीज़ अब आउटलेट के बारे में देखेंगे आउटलेट का प्रेशर दिया है ज़ीरो पॉइंट वन बार इंटरनल एनर्जी टू वन सेवन फाइव बार स्पेसिफिक वॉल्यूम फिफ्टीन मीटर क्यूब पर के जी और वेलोसिटी दी है थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकंड। ओके इसके अलावा दो चीज़ें दिए जो लाइन में पढ़ता पड़ता पढ़ता हूँ देखो ये वाली द टर्बाइन डेवलप्स थर्टी फाइव किलो वाट टर्बाइन थर्टी फाइव किलो वाट डेवलप करता है क्या वर्क ओके okay. तो टर्बाइन ने कितना वर्क डेवलप किया थर्टी फाइव किलोवैट किलोवैट मतलब किलोजूल पर सेकंड क्लियर और आगे लिखा है हीट लॉस ओवर सरफेस ऑफ टर्बाइन इज ट्वेंटी जूल पर केजी मतलब टर्बाइन से कितनी हीट लॉस हो रही है ट्वेंटी जूल पर केजी अभी हीट का यूनिट क्या है किलो ये जो दिया है उसका किलो जूल पर के तो इसका मतलब क्या है ये हमारा स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू मतलब हीट इन किलो जूल पर के और कैपिटल क्यू मतलब हीट इन किलो जूल पर सेकेंड तो यहाँ पर क्या दिया है स्मॉल क्यू और वर्क का यूनिट यहाँ पर क्या दिया है थर्टी फाइव किलोवैट तो मतलब ये क्या है कैपिटल वर्क है मतलब ये पावर है तो हमें पावर क्यू दिया है अब देखो पावर मतलब क्या है कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या है मास फ्लो फ्लोरेट इंटू वर्क डन क्लियर हमें पूछा है डिटरमाइन दी स्टीम फ्लो रेट मतलब मास फ्लो रेट हमें निकालना है तो हमें ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू में मालूम होना चाहिए अब कैपिटल डब्ल्यू तो दिया है हमने अगर स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया तो हम यह हम निकाल सकते हैं इसीलिए ये कैपिटल डब्ल्यू दिया है क्लियर तो इसके लिए हमें मास फ्लोरेट फ्लोरेट निकालने के लिए हमें स्मॉल डब्ल्यू या वर्क डन जो किलोजुल पर के जी में उसे फाइंड आउट करना होगा ओके okay? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रहे हैं मतलब U1 वन प्लस पी हमारे पास दो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है यूनिट टाइम बेसिस यूनिट मास बेसिस तो हम जनरली एक ही फॉलो करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे का कन्वर्जन है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है यूनिट मास बेसिस में मतलब सब यहाँ पर मास एब्सेंट है क्योंकि मास हमने यूनिट लिया है तो यहाँ पर जो सभी क्वांटिटी है आपको किलोजुल पर केजी में ये यू वन भी किलोजुल पर केजी में पी वन यू वन भी किलोजुल पर केजी जी सी वन स्क्वेयर भी हमें किलोजुल पर केजी में चाहिए जी जेड वन भी हमें किलोजुल पर के में चाहिए क्यू भी हमें किलोजुल पर के में चाहिए इधर के सारे प्रॉपर्टीज हमें किलोजुल पर के में चाहिए और जो डब्ल्यू हम निकालने वाले वो भी हमें किलोजुल पर के में चाहिए क्लियर तो मैंने यहाँ पर यूनिट मास बेसिस का इक्वेशन लिखा है और डेटम के बारे में बताना भूल गया मैं जो इनलेट है वो आउटलेट से जो इनलेट है वो आउटलेट से थ्री मीटर ऊपर है ओके इसका क्या मतलब आपको आगे बताऊंगा अब चलेंगे हम अपने यूनिट के पास में इंटरनल एनर्जी दी है यहाँ पर देखो इंटरनल एनर्जी दी है टू सेवन डबल जीरो पर के और इधर भी है टू वन सेवन फाइव किलोजूल पर केजी मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी किलोजूल पर केजी में दिए अब हम पी वन वन को देखेंगे प्रेशर का यूनिट क्या रहता है इसके ऊपर फोकस करो मैं इधर लिखता हूँ प्रेशर का यूनिट क्या रहता है जनरली न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ऐसा यूनिट हो और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर के जी अब देखो मीटर स्क्वेयर और क्यूब कैंसिल हो गया क्या बचा न्यूटन मीटर पर के जी और न्यूटन मीटर को आप आपको मालूम है न्यूटन मीटर इज़ नथिंग बट जूल तो इसका यूनिट क्या आएगा जूल पर के जी कब जब हम प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में लेंगे अगर हम प्रेशर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में लेंगे तो ये आएगा किलो जूल पर के जी समझ में आ गया फिर से रिपीट करता हूँ मैं ये जो पीवन वीवन है यहाँ पर अगर आप प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर जिसको हम किलो पास्कल भी बोलते अगर प्रेशर को हम किलो पास्कल में पुट करेंगे तो P1 V1 हमें किलो जूल पर के मिलेगा क्लियर अब प्रेशर दिया है बार में हमें चाहिए किलो पास्कल में क्योंकि हमें P1 V1 किलो जूल पर के में चाहिए तो हम क्या करेंगे बार का कन्वर्जन कर लेंगे किलो पास्कल में आपको मालूम है फर्स्ट में आपने पढ़ा है वन बार इक्वल्स टू टेन रेस टू फाइव पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास कर भी बोलते व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल वन बार इक्वल टू टेन रेस टू फाइव पास्कल तो इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं टेन रेस टू टू इधर थ्री इधर गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके ये किलो का थ्री और ये टू फाइव हो जाएगा ओके तो वन बार का कन्वर्जन क्या आएगा वन बार इक्वल्स टू टेन टू द पावर फाइव पास्कल और टेन रेस टू पावर टू किलो पासकल क्लियर तो इसको हमने टेन रेज टू टू या हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया जिस जो, जो बार को किलो पासकल में कन्वर्ट कर दिया ओके okay? अब ये फिफ्टीन इंटू टेन रेज टू पावर टू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें किलो जुल पर के में मिलेगा अब देखो सी वन स्क्वेयर बाय टू इसमें क्या है ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है सी वन स्क्वेयर बाय टू सी क्या है वेलोसिटी वेलोसिटी का यूनिट क्या है Velocity. Velocity मीटर पर सेकंड लेकिन सी का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर आएगा सी का स्क्वायर है सी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड तो सी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बराबर अब देखो ये जो मीट ये यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को मैंने थोड़ा सा आ, सेपरेट किया मास मतलब को मतलब मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिखा तो हमें मिला मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सेकंड वाले को बराबर अब नीचे देखो आपको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन मास का यूनिट क्या है के जी और एक्सलोरेशन का क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ओके एक न्यूटन मतलब एक के जी इंटू एक मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर के जी ये ये वाला के जी इधर गया न्यूटन पर के जी तो ये मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड की वैल्यू पर सेकेंड की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा मीटर इंटू न्यूटन पर के जी न्यूटन मीटर मतलब जूल जूल पर के जी ओके समझ में आ गया मतलब सी स्क्वेयर बाय टू का यूनिट क्या आता है जूल पर के जी कैसे आता है मैंने आपको बताया ओके ये बात समझ में आ गई लेकिन हमें किलो जूल चाहिए तो हम क्या करेंगे हम इस सी स्क्वेयर बाय टू को थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे मतलब सी वन स्क्वेयर बाय टू इंटू टेन रेस टू पावर थ्री ये टेनरेज टू पावर थ्री किस लिए किलो जूल पर केजी बनाने के लिए अगर ये नहीं रहता है तो सी वन स्क्वेयर का यूनिट क्या आता है जूल पर केजी और हमारी सभी चीज़ें किलो जूल में तो इसलिए हमने थाउजेंड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा किलो जूल पर के जी ये बात समझ में आ गई ओके अब हीट रिजेक्ट रे, रे, हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्यू को निजे नेगेटिव नि, लिया है हीट अगर सिस्टम से बाहर जाएगी तो क्यों नेगेटिव आएगा और डब्ल्यू हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि टर्बाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टर्बाइन हमें वर्क देता है क्लियर अब देखो सभी वैल्यू मैंने पुट की यू वन की वैल्यू जी जो दी है वो पुट की वी वन वी वन प्रेशर को किलोपास्कल में कन्वर्ट करके कर, कर, कर कर यहाँ पे पुट किया सी वन स्क्वेयर बाई टू हंड्रेड स्क्वेयर बाई टू इसको मैंने अभी टेन से थाउजेंड से डिवाइड नहीं किया है वो अगले स्टेप में करूँगा आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जी जेड वन मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि जेड वन नहीं दिया है जेड वन और जेड टू का गैप दिया है डिफरेंस दिया है वो मैं अगले स्टेप में उसको करूँगा और क्यू की वैल्यू माइनस ट्वेंटी जो पहले दी है और सिमिलरली यू टू की वैल्यू पुट की पी टू वी टू की वैल्यू पुट की उसमें भी प्रेशर पास्कल किलो पासकल में रखा है सी टू की वैल्यू पुट की और जी जेड को एज इट इज़ रखा और डब्ल्यू ओके okay? अब देखो हमें डब्ल्यू निकालना है तो W इधर छोड़ के बाकी सब टर्म को मैं इधर भेज दूँगा उस साइड में तो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस टू वन सेवन पाव इसको सेपरेट लिखा ये माइनस ये इसको सेपरेट लिखा हंड्रेड स्क्वेयर माइनस थ्री हंड्रेड स्क्वायर इसको सेपरेट लिखा जी अब ये जेड टू उधर गया है ये जेड टू इस साइड में गया है तो जेड वन माइनस जेड टू माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू डब्ल्यू अब बताओ यहाँ पर क्या दिया है जेड वन इज़ थ्री मीटर अबो मतलब अगर हम इसको डेटम में कंसिडर करेंगे तो जेड वन माइनस जेड टू हमें थ्री मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है थ्री ओके okay? अब देखो इसका कैलकुलेशन किया है मैंने इसका कैलकुलेशन फाइव टू फाइव इसका कैलकुलेशन आता है वन नॉट फाइव अब ये देखो हंड्रेड स्क्वेयर माइनस थ्री हंड्रेड स्क्वायर ये क्योंकि थ्री हंड्रेड है तो ये निगेटिव में आएगा तो अब यहाँ पर मैंने उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दिया है थाउजेंड से मैंने यहाँ पर क्यू डिवाइड किया है क्योंकि उसे हमें किलोजुल पर के में चाहिए आप उसको पहले स्टेप में थाउजेंड डिवाइड कर सकते मैं उधर भूल गया था इसलिए मैंने नीचे उसको डिवाइड कर दिया तो थाउजेंड से क्यू डिवाइड किया हमने सी वन स्क्यर माइनस सी टू स्क्वेयर को किलो पर के जी यूनिट मिलाने के लिए प्लस नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री थ्री मतलब डेटम के बीच में गया माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू डब्ल्यू तो हमें डब्ल्यू मिला फाइव नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर थ्री किलो जूल पर के जी लेकिन आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ हमें निकालना है मास फ्लोरेट तो हमें क्या हमें क्या मालूम है पावर या कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू तो मास फ्लोरेट इंटू स्मॉल डब्ल्यू ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो मास इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मास के पावर कितना है थर्टी फाइव किलोवैट डिवाइडेड बाई वर्डन हमें आगे अभी निकाला तो हमें मास मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स के जी पर सेकंड क्लियर ये न्यूमेरिकल आठ मार्क के लिए आ सकता है और एग्जाम में आकर भी गया है बहुत सिंपल है आपको पहले इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब जब आप और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ईजी है आपको सिर्फ यूनिट के ऊपर ध्यान देना है ओके okay? आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि सी वन स्क्वेयर का यूनिट जूल पर के जी आता है तो C1 को थाउजेंड से डिवाइड करना है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये यह यहाँ पर जो हम P1 V1 जब लेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हम किलो पास्कल में रखेंगे ताकि उसका यूनिट किलो जूल पर के जी आ जाए ओके सो so, दो चीज़ें आप ध्यान में रखो P1 V1 में प्रेशर किलो पास्कल में रखो और C1 को थाउजेंड से डिवाइड कर दो बस हो गया अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द फ्लूड फ्लो थ्रू अ मशीन एट द रेट ऑफ फिफ्टीन के जी पर मिनट बिट्वीन द एंट्रांस एंड एग्जिट ऑफ मशीन द रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग द वर्किंग फ्लूड इज अभी पैरामीटर इनलेट और आउटलेट है वेलॉसिटी इनलेट वेलासिटी इनलेट पर फाइव मीटर पर सेकेंड है आउटलेट पर एट मीटर पर सेकेंड है प्रेशर इनलेट पर हंड्रेड किलो पास कर ले आउटलेट पर सेवन हंड्रेड किलो पास कर ले अभी आप देखो प्रेशर ऑलरेडी किलो पास कर लें हमारा काम ईजी कर दें इन्होंने स्पेसिफिक वॉल्यूम Inlet pe 0.45, outlet pe 0.125 meter cube per kg. The working fluid leaves the machine with internal energy 160 kJ per kg greater than that at the entrance and during the process 7200 kJ per minute of heat is lost to the surrounding. Assuming entrance and exit pipe to be the same level. कैलकुलेट शाफ्ट वर्क एंड रेशो ऑफ इनलेट पाया मीटर डाइप टू डायमीटर टू आउटलेट पाइप डायमीटर अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिया है एक मशीन दिया है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पहले क्या देखना है कि कौन सा डिवाइस दिया पर यहाँ पर डिवाइस का कुछ नाम नहीं दिया है सिर्फ मशीन दिया है ओके अब उस मशीन के इनलेट और आउटलेट के प्रॉपर्टीज़ हमें दिए ये वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड प्रेशर हंड्रेड किलो पास्कल स्पेसिफिक वॉल्यूम जीरो पॉइंट फोर फाइव और इधर आउटलेट का वेलोसिटी एट मीटर पर सेकंड प्रेशर सेवन हंड्रेड किलो पास्कल स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव मीटर क्यूब पर के जी और, और जो इन इनलेट और आउटलेट और एक ही लेवल पे मतलब जेड वन इक्वल्स टू जेड टू यहाँ पर क्योंकि वो एक ही लेवल पे, पे क्लियर ये ये हो गई अब दूसरे चीज़ में क्या दिया है इस मशीन इस मशीन से जो भी हीट बाहर जा रही है वो कितनी बाहर जा रही है सेवेंटी टू हंड्रेड किलो जुल पर मिनट इसको हम अगर साठ से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोजूल पर सेकंड मिलेगा बराबर मतलब जो क्यू दिया है वो कैपिटल है क्योंकि पर यूनिट टाइम है सेवनटी टू थाउ सेवेंटी टू हंड्रेड पर मिनट अगर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो साठ से डिवाइड कर देंगे ओके और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरनल एनर्जी ये स्टेटमेंट आपको ठीक से पढ़ो द वर्किंग फ्लूड लिवज द मशीन विद द इंटरनल एनर्जी ये वाला द वर्किंग फ्लूड लिवज द मशीन विद इंटरनल एनर्जी वन सिक्सटी जूल पर के जी ग्रेटर दैन दैट एट द एंट्रांस मतलब इस आ, आउटलेट से आउटलेट को जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगी वो इनलेट के इंटरनल एनर्जी से एक से साठ से ज़्यादा रहेंगी बराबर इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट इज ग्रेटर दैन वन सिक्सटी दैन इंटरनल सॉरी इंटरनल एनर्जी एट इनलेट मतलब इनलेट से आउटलेट की इंटरनल एनर्जी कितने से ज़्यादा है वन सिक्सटी बराबर मतलब आउटलेट पे इंटरनल एनर्जी इनलेट के इंटरनल एनर्जी से एक से साठ यूनिट ज़्यादा है बराबर इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं यू टू माइनस यू वन इक्वल्स टू वन सिक्सटी क्योंकि आउटलेट की इंटरनल एनर्जी इन इनलेट की इंटरनल एनर्जी से एक से साठ से ज़्यादा है मतलब यहाँ पर आपको यू वन और यू टू सेपरेट नहीं दिया है उसका डिफरेंस दिया है यू टू माइनस यू वन इक्वल्स टू वन सिक्सटी और इसके अलावा मास फ्लो रेट दिया है पहले लाइन में कि मशीन एट द रेट ऑफ जो वर्किंग फ्लोर रहा है फिफ्टीन के जी पर मिनट मतलब मास दिया है फिफ्टीन के जी पर मिनट यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन मतलब स्मॉल डब्ल्यू अब देखो मैंने जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लिया है सॉरी ये वाला यू वन प्लस बी वन वन अब हम आप एक प्रैक्टिस हमेशा करो आप यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन प्रैक्टिस करो मतलब आप कोई भी नंबर के लाए तो यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको जो आउट आउटपुट मिला है दोनों से मिल सकता है लेकिन कन्फ्यूजन ना हो यूनिट में इसलिए हम एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि हम यूनिट uh, मास वाला स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हर टाइम यूज़ करेंगे तो यूनिट टाइम का जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो ये रहा u1 वन प्लस पी वन वी वन प्लस यून स्क्वेयर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इक्वल्स टू यू टू प्लस पी टू वी टू प्लस ई टू स्क्वेयेर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू ये जनरल है हाँ अब देखो uh, अब हमारे केस में क्या दिया है मशीन दिया है वो क्या है टर्बाइन है कंप्रेसर है पंप है नोजल है वो क्या है वो हमें कुछ दिया नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो मशीन है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टर्बाइन जैसा बराबर हमारा आजमशन क्या रहेगा यहाँ पर ये जो मशीन है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है मतलब ये टर्बाइन जैसा है जो हमें वर्क देगा तो हम लेंगे W पॉजिटिव अब एक बात सुन लो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग है और हमने W यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया लेकिन अगर एक्चुअल में ये मशीन वर्क प्रोड्यूसिंग नहीं है तो हमारा W नीचे नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा एजम्प्शन गलत हो गया W नेगेटिव में आ रहा है तो ये जो मशीन है ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है बराबर क्लियर या अगर वर्क डन पॉजिटिव में आ गया तो आ, हमारा एजम्पन बराबर है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ओके मैं फिर से रिपीट करता हूँ हम यहाँ पर डब्ल्यू पॉजिटिव एज्यूम करने वाले अगर डब्ल्यू पॉजिटिव आता है तो हमारा एजम्पन सही है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है लेकिन हमने W पॉजिटिव अजम करने के बाद भी अगर W निगेटिव आता है इसका मतलब हमारा आजमशन गलत है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है बराबर मतलब एक्चुअल में ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है क्योंकि W निगेटिव आ रहा है तो इसका ज़्यादा लोड मत लो आप अज्यूम करो कि W पॉजिटिव है इसके बाद में दिया है हीट रिजेक्टेड दिया है स्टेटमेंट uh, में रिजेक्ट हो रहा है मतलब क्यों नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्यों क्या लेंगे हम निगेटिव लेकिन दूसरी बात देखो क्यू हमें किलो जूल पर मिनट में दिया है जो हमें किलो जूल पर के में चाहिए तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कैपिटल क्यू इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कितना दिया है सेवेंटी टू हंड्रेड किलोजुल पर मिनट तो हमने सेकंड के लिए उसको साठ से डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू मास मास दिया है फिफ्टीन के पर मिनट जिसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए साठ से डिवाइड कर दिया इंटू क्यू तो अब हमें क्यू मिलेगा अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्यों आएगा फोर एटी या पर यूनिट आता है किलोजुल के जी ये फोर एटी का यूनिट है किलोजुल के जी ओके और जेड वन और जेड टू तो इक्वल दिया है बराबर मतलब अब ये ये जो इक्वेशन है ये कैसे सिंप्लीफाई होगा ऐसे यू वन प्लस पी वन यू वन प्लस बाय टू माइनस क्यू क्यों हमने माइनस क्यू क्यों लिया क्योंकि ये रिजेक्ट होने वाला है रिजेक्ट हो रहा है इसीलिए क्यों माइनस यू टू प्लस पी टू टू प्लस ई टू स्क्वायेर अब यहाँ पर देखो हमने जेड वन और जेड टू कैंसिल कर दिया क्योंकि एक ही लेवल पे और हम हम क्या अज्यूम कर रहे हैं डब्ल्यू पॉजिटिव हम अज्यूम कर रहे हैं ये मशीन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो डब्ल्यू पॉजिटिव हमने लिया तो अब हमें डब्ल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे ये बाकी के चीज़ें इस साइड में भेजेंगे अब देखो आ, मैंने डब्ल्यू एक साइड में लग दिया और दूसरी चीज़ एक साइड में ये यू टू इधर गया तो यू वन माइनस ई टू ये पी टू वी टू इधर गया पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ये सी टू उधर गया सी वन स्क्वेयर माइनस सी टू स्क्वेयर अपॉन टू इन टू टेन रेस टू पावर थ्री अब ये टेन रेस टू पावर थ्री क्यों क्योंकि सी वन स्क्वेयर का यूनिट आता है जूल पर के जी जूल पर के जी हमें चाहिए किलो जूल तो हम इसके लिए इसको टेन रेस टू माइनस थ्री से डिवाइड कर दिया अब ये टेन रेस टू माइनस सॉरी टेन रेस टू थ्री से डिवाइड करने के बाद इसका यूनिट क्या होगा किलोजुल पर के जी ये दो, दोनों चीजें ध्यान में रखो यहाँ पर आप यहाँ पर आप प्रेशर किलो पास पास कल मिलेंगे और यहाँ पर आप टेन टू थ्री से डिवाइड करेंगे किलो जूल में के लिए माइनस क्यू ओके अब हम वैल्यू पुट करेंगे अब देखो हमें क्या दिया है यू टू माइनस यू वन वन सिक्सटी दिया है एग्जिट की इंटरनल एनर्जी इनलेट के इंटरनल एनर्जी से एक से साठ ज्यादा है मतलब एग्जिट माइनस इनलेट एक से साठ है यू टू माइनस यू वन एक से साठ दिया है हमें यहाँ पर क्या चाहिए यू वन माइनस यू टू तो ये कितना आएगा माइनस वन सिक्सटी यहाँ पर देखो ओके नाउ पी वन वी वन माइनस पी टू टू पी वन यहाँ पर ऑब्वियस किलो पासकल में दिया तो वही वही रखेंगे हम किलो हंड्रेड किलो पासकल इंटू जीरो पॉइंट फोर फाइव माइनस सेवन हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन टू फाइव ये हो गया है बहुत सिंपल था सिर्फ पुट करना था अब देखो सी है फाइव स्क्र और फाइव मतलब फाइव स्क्वायर और सी टू है एट एट का स्क्र डिवाइड बाई टू इंटू टेन रेस टू तो पावर थ्री टेन रूज टू तो पावर थ्री क्यू किलो जूल के लिए माइनस फोर एटी ये फोर एटी क्या है क्यू अब देखो ये क्यू हमें ये क्यू हमें किलो जूल पर के जी में चाहिए था तो हमने इसको बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने उसको किलो जूल पर के जी में कन्वर्ट कर लिया है क्लियर तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला वर्क माइनस सिक्स एटी टू पॉइंट फाइव टू किलोज पर के जी हमें डब्ल्यू मिला माइनस में इसका मतलब क्या है हमारा जो ऊपर का अजम्पन है ये वाला ये गलत है हमने क्या अजूम किया था कि वर् ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है अगर ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता तो डब्ल्यू पॉजिटिव में आता बराबर अब डब्ल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब हमारा एजम्पन गलत है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है इसके ज़्यादा कुछ मायने नहीं है ओके सो वी गेट डब्ल्यू मतलब वर्क डन माइनस सिक्स एट्टी टू किलोजुल पर के जी हमें चाहिए पावर तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू को एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू तो यम कितना है फिफ्टीन के जी पर मिनट उसको साठ से डिवाइड करेंगे पर सेकंड के लिए और जो आया है वो तो हमें मिलेगा माइनस वन सेवेंटी पॉइंट सिक्स टू किलोजुल पर सेकंड ओके निगेटिव साइन इंडिकेट दैट मशीन इज़ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस दैट इज़ वर्क इज़ सप्लाई टू द मशीन ये होगा पहला पार्ट जो हमें पूछा था ये वाला कैलकुलेटर शाफ्ट वर्क वाला हमने शाफ्ट वर्क निकाल दिया एंड हमें आप अगला निकालना है रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर टू आउटलेट पाइप डायमीटर अब ये एक चीज़ जो नई है मैं आपको समझाने वाला हूँ हमें क्या हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम बहुत चीज़ों पे आपने देखा ये क्या है वॉल्यूम है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास को हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इन वॉल्यूम ये लाइन में देखो ओके अब हम क्या करेंगे मास को हमने लिख लिया लिख लिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब हमें मास रेट चाहिए तो हम मा मास को टाइम से डिवाइड करेंगे मतलब मास आता है केजी में मास रेट आता है केजी पर सेकंड में मतलब हमने मास को टाइम से डिवाइड कर दिया है तो हम दोनों तरफ भी डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मास रेट ये लाइन मास रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम रेट बराबर मास रेट मतलब क्या मास फ्लो रेट मतलब मास अपॉन टाइम मतलब कितना के जी रहा है यूनिट टाइम में के जी पर सेकंड ओके और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या वॉल्यूम अपॉन टाइम वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर सेकंड में अब वॉल्यूम एक मिनट वॉल्यूम फ्लोरेट को हम लिख सकते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो ए इंटू सी सी मतलब वेलोसिटी एरिया इंटू वेलासिटी अब देखो एरिया का यूनिट क्या रहता है मीटर स्क्वेयर और वेलासिटी uh, का मीटर पर सेकेंड तो इसका अल्टीमेट यूनिट क्या आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड जो वॉल्यूम फ्लोरेट का है ओके तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखेंगे वॉल्यूम फ्लोरेट को हम लिख सकते एरिया इंटू वेलासिटी ओके अब देखो मास फ्लोरेट इक्वल्स टू रो इन टू वॉल्यूम फ्लोरेट तो मास फ्लोरेट को हम लिख सकते हैं रो इन टू ए सी ए मतलब एरिया रे वेलोसिटी जो है वॉल्यूम फ्लो रेट ओके अब देखो जितना ही मास सिस्टम के अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर जा रहा है ओके मतलब हम लिख सकते एम इक्व टू ए वन सी वन अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये v क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको अगर मालूम नहीं होगी तो मैं बताता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास ओके okay? और डेंसिटी क्या रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है मतलब हम ऐसे लिख सकते स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वन बाय रो ओके समझ में आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वन बाय रो या रो इक्वल्स टू वन बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम तो इस रो के जगह पे हमने अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लग लग लिख दिया तो ये होगा ए सी अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्लियर क्योंकि वन अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आता है रो डेंसिटी ओके okay? तो हमें मिलेगा मास फ्लो रेट इक्वल्स टू ए वन सी वन अपॉन वी वी वन वी वन मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू ए टू सी टी अपॉन स्मॉल वी टू मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्योंकि आ, हमारा आजम से नहीं है कि सिस्टम के अंदर जितना मास आएगा उतना ही बारह आएगा मतलब सिस्टम के अंदर जो भी मास है वो कॉन्स्टेंट है इनलेट पे जितना रहेगा उतना ही आउटलेट पे रहेगा इसीलिए ए वन सी वन अपन वी वन इक्वल्स टू ए टू सी टू वी टू हमें निकालना है पाइप के डायमीटर का रेशो तो उसके लिए हमें उसका एरिया का रेशो ढूंढना पड़ेगा तो ए वन और ए टू मैंने एक साइड में ले लिया सी वन जाएगा इधर वी वन जाएगा ऊपर तो ये होगा सी टू अपन सी वन वी वन अपन वी टू सी टू आठ वी सी वन पाँच इन टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेक्शन वन दिया जीरो पॉइंट फोर फाइव और सेक्शन थ्री का जीरो पॉइंट वन टू फाइव इसका कैलकुलेशन आता है ये हमारा आंसर अभी खत्म नहीं हुआ ये हुआ सिर्फ एरिया का रेशो अब पाइप कैसा रहता है सर्कुलर बराबर तो ए वन को हम क्या लिख सकते हैं ए वन को हम लिख सकते फाइव बाय फोर डी वन स्क्वेयर सर्कल का एरिया और ए टी को पाई बाय स्क्वेयर डी टू स्क्वेयर जो मैंने यहाँ पर लिखा है पाई बाय फोर डी वन स्क्वेयर पाव बाय फोर डी टू स्क्र पाव बाय फोर कैंसिल तो डी वन स्क्वेयर बाय डी टू स्क्र कितना आया फाइव पॉइंट सेवन सिक्स तो डी वन बाय डी टू कितना आएगा हमें दोनों तरफ का स्क्यर रूट लेंगे तो टू पॉइंट फोर क्लियर इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं थी ये वाली ये कैसे आ गई यहाँ से मास फ्लोरेट इक्वल्स टू रो रोइन टू वॉलूम फ्लोरेट वॉल्यूम फ्लोरेट को हम ये लिख सकते हैं और रो को हम वन बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं तो मास मास फ्लोरेट की वैल्यू आ गई ये ओके इससे हमने एरिया का रेशो निकाला और उससे हमने डायमीटर का क्लियर आप इसका मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा ये पीडीएफ आप एक बार ठीक से फिर से देख लो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के न्यू कर